Together. Not only Sunday, we can serve him Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday also. जब क्या करते हैं कि हमारी पार्टी होती है तो भी हम अपने टाइम सेपरेट सा निकाल लेते हैं कि आज तो सैटरडे है, आज तो मुझे पार्टी है, मैं पार्टी में जाऊंगा तो मुझे चर्च नहीं मैं आ सकूंगा. सॉरी यार कोई बात नहीं है, मैं बाद में आऊंगा. पर नो, गॉड ही वॉन्ट्स अस टू सर्व हिम फॉर एवर एंड ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ. जब भी हम कहीं जाएं, तो कई बार होते हैं कि हम कमिटमेंट कर लेते हैं कि गॉड आई एम गोइंग टू सर्व यू एंटायर माय लाइफ. पर जब टाइम थोड़ा सा धीरे धीरे जाया जाता है तो क्या हो जाता है कि हम लोग अपना रास्ता धीरे धीरे चेंज कर लेते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार. जैसा बाइबल में लिखा है, पॉल कहता है डाई एवरी डे, पिक अप योर क्रॉस. Maybe once a year. No, he said every day. We have to pick up our cross every day. Har roz pick up karna hai. To chalo kyun na hum sab milkar uski stuti aradhna karein kyunki wo bhala hai. Kyun na hum sab milkar uske faatkon mein enter karein kyunki wo jeevit parmeshwar hai. आइए धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं. प्रभु जी, प्रभु आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर हैं. पिता परमेश्वर, प्रभु जी सारी महिमा एंड जलाल आपका है. प्रभु जी, प्रभु जी आज हम जो भी प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, आई प्रे कि आपके चरणों में वो सीधा जाए. प्रभु जी आपके स्वर्ग में सीधा जाए और आपके तख्त के सामने बिल्कुल हो जाए. प्रभु जी हम ऐसा लगे कि आज हम आपके तख्त के सामने खड़े. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा करते, बाकी का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ. मैं जानता हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और माना है. धन्यवाद देता हूँ. होली स्पिरिट मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और शैतान की हर एक ताकत को हम यीशु के लहू से मारते हैं. धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं यीशु के लहू से. Better to be in the house of the Lord than anywhere else. आइए हम प्रभु के भवन में चलें, उनकी हजूरी में चलें, पवित्र आत्मा की हजूरी में होके प्रभु की स्तुति और आराधना करें. दाऊद कहता है, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा. जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा. मैं तो प्रभु के घर को चली, 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 मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा.
दाऊद कहता है ए भोर के तारों अब जाग उठो, हालेलुया, ए वीणा के तारों अब बाज उठो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। यीशु की प्रशंसा करते हैं, आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम अपना दिल अपना तन मन आपको देते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारा सब कुछ आपकी प्रशंसा करे। We make it excited to be in the presence of the Lord। पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर कार्य करें कि हम में वो भूख और प्यास हो, प्रभु को जानने की, प्रभु से वो रिश्ता रखने की, हमें जगाएं और हमें उत्साहित करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आप। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
For your abundant grace that never ceases to flow in our lives. We thank you, Lord, that you never turn your face away from us. When we call upon your name, when we repent, when we seek your face, oh Lord, you're faithful to answer us, to come rescue us, to help us, to safeguard us, oh Lord God. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you, Lord God, for blessing us, O Lord God, with the gift of life through the blood of Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Teach us your ways, Master. We depend on you. We open our hearts. We open our eyes, Lord. And we welcome you, Master. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thank you. Thank you, Master. In Jesus' name. Sabko jai masih ki. It's so beautiful into his presence, to be in his presence. And, you know, it was such a joy in the heart when we were singing. Jab kisi ne ye mujhse kaha, chalo prabhu ke ghar mein chale. Such an abundance of joy in his presence. There's peace in his presence. And there's power in his word. We need to just respond to that. In the Bible, there are a lot of instances or events recorded that tell us about a lot of times when Lord Jesus, tells people to follow him. And then at other times, there are instances where out of nowhere, when Jesus is not inviting somebody to follow him, there are people coming forward and asking the Lord that they want, or telling him that they want to follow him. You know, whatever might be the scenario, there are people coming without invitation, there are people coming with invitation. And with the invitation, there are various responses of these people to the call of the Lord. Some ignore. When Jesus says, follow me, some ignore. When Jesus says, follow me, some deny. When Jesus says, follow me, they play as being deaf. They hear it, but they act as if they haven't heard it. Whereas others, when Jesus says, follow me, are excited to follow him. And then they drift away with time. But yet there are others who follow him diligently, honestly, sincerely, loving him because he is the God. Because he is God and there is none other. And when they commit their lives to Christ, there's no turning back. And today we are going to read from the Bible, book of Luke, chapter 9, verse 57 to 62. I'm going to read that and then we're going to move forward. And it says, as they were going on the road, someone said to him, to Jesus, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, foxes have holes, birds of the air have nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. To another he said, follow me.
But he said, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus said to him, let the dead bury the dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. And then another said, I will follow you, O Lord. But let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, No one who put a hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of the Lord. Let's pray. Lord, we come to you. We seek your face. And we long to learn your word. Lord, I submit my thoughts, my imaginations, my intellectual at your feet. And I pray, O Lord, that you fill me up with your presence and teach me first your ways, O Lord. Teach me your ways, O Lord, that I may be found faithful, that I may be found teachable, that I may be found loyal to you, Master, all days and moments of my life. I invite you, Lord, to take charge and lead us as we learn how to live within the boundaries of your holy scriptures. In Jesus' name we pray. Amen. So let me give you a little background of what's happening in this scripture. It's the Luke chapter 9, verse 57 to 62. So when we look back in the beginning of chapter 9, it begins with Jesus calling the 12. Jesus calls the 12 and empowers them with authority and power and commands them to go and preach the kingdom of the Lord. Then he feeds about 5,000, an approximated or estimated 5,000 people with five loaves and two fish. Then he talks about his own death. And this is all coming from chapter 9. Then he heals a boy possessed by demons. And then, after all these great miracles, he's rejected by a Samaritan village. And then, now as he's rejected, as they're going on the road, the Bible mentions Jesus' interactions with three different people. People are different. Conversations are different. However, the main theme remains the same, following Jesus. I'm going to read that verse once again, Luke chapter 9, verse 57 to 62. As they were going on the road, someone said, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. To another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But as for you, must go and proclaim the kingdom of God. Another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, no one who puts a hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of God. So there are three people that are mentioned in this verses. The first individual, out of nowhere, the verse says, as they're going on the road, someone said to Jesus. So this person comes into the picture. There's no mention of this person before. And he makes a very hasty profession. All of a sudden, he comes and he says, I will follow you wherever you go. What a strong statement. This unnamed individual, on his own, voluntarily comes and tells Jesus, I want to follow you, Jesus, wherever you go. Surprisingly, however, Jesus does not give him a direct, straightforward answer. He says, foxes have holes and birds in the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Really, Lord Jesus? Somebody's coming to you, telling you he wants to go with you wherever you go, and this is your answer? Yes. This is the answer of our Lord Jesus Christ. Why?
what was Lord Jesus trying to say? He was trying to explain to this person who comes out of nowhere that what his circumstances are in which he's living. He was trying to tell this person that the situations in which he's living, there's no comfort and there is no possessions. God, Lord Jesus, was going around being the King of Kings and the Lord of Lords. He, at that point, had no comfort and no possessions, even though the whole creation belongs to him. This is what he was trying to tell this person, so that this person has an actual reality check as to what it is to be with Lord Jesus Christ. Perhaps Jesus looked beyond the statement of this person and looked into his heart, and he peeled the layers of casualness in his heart and callousness in his heart. And Jesus exactly knew what this person was saying. Was he saying it because he was really serious, or was he saying it for the sake of saying? Jesus knew that this individual talked big, but he was unwilling to walk big. So it's important that when we talk, we do the walk with that. Unfortunately, you know, this is happening today, right now. And I was trying to wonder, I was thinking, why did this इंडिविजुअल जिसने जिनको बुलाया भी नहीं, यीशु ने निमंत्रण नहीं दिया कि मुझे फॉलो करो, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन दिस मैन सेज आई विल फॉलो यू नॉट वन डे नॉट टू डेज ही सेज वेयर एवर यू गो एंड देन आई वाज थिंकिंग परहैप्स ही इज फॉलोइंग जीसस फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ मंथ्स परहैप्स ही वाज देयर व्हेन जीसस फेड द 5,000 मे बी ही वाज वन ऑफ दोज हु वाज फेड बाय जीसस by 5 loaves of bread and 2 fish. Maybe he was first-hand witness to that young boy who was delivered of the demons. We don't know. But maybe he thought, oh my God, this is it. This is what I want. You tell the demons to leave. The demons leave. You get 5 loaves of bread, 2 fish, and you feed 5,000 people. This is what I want. This is good life. I can say whatever and it will happen. Perhaps this is what this person was thinking. Mm-hmm. And then Jesus brings in the true reality. Sometimes following Jesus can mean depriving yourself of the minimal amenities of life. Depriving yourself of the comforts of life. Depriving yourself of the possessions that you have earned with hard work and working day and night. We think we have earned hard. If it wasn't for grace of God, there's nothing that we could have earned in our lives. And unfortunately, that's happening today. We are sometimes so overwhelmed. God does a miracle in our lives or in the lives of others. We witness it and we're like, oh my God, this is it. God, I will serve you. I will follow you all days of my life. I will go wherever you tell me to go. And we allege to being faithful followers of Christ, to ministering to him, to doing service unto him. And then after 3 days, that is gone. जो हमारी वफा थी, जिसके हमने जो वफा के हमने खुदा से वादे करे, जो हमने खुदा को कहा कि हम तेरे संग चलेंगे, जो हमने खुदा को कहा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल फॉलो यू, दोस्त आया, यार तू क्या पागलपन कर रहा है, रिश्तेदार आए, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, वी विल नॉट टॉक टू यू. जॉब पे बॉस कहता है, यू डोंट हैव दिस जॉब एनी मोर, आई एम सॉरी, आई हैव टू फायर यू. एंड हमारी जो वफा, जिसके जो हमेशा के वादे थे, खत्म हो गए. सच्चा वफादार खुदा हमारा हमें वफा रखने की और करने की हिम्मत देता है, प्रोवाइडेड वी सीक हिज फेस एंड वी आस्क. द सेकेंड इंडिविजुअल, I believe that the second individual disregarded the call. I'm going to read from verses 59 to 60. And then to another he said, follow me. But he said, उसने उत्तर दिया, वो जो आदमी था या औरत थी, वो whoever that individual was, he said, first let me go and bury my father. खुदा उसको कहते हैं फॉलो मी, एंड उसका उत्तर है फर्स्ट लेट मी गो एंड बरी माई फादर.
I think it was a very reasonable and genuine request, don't you think? कि अगर आपको कोई कहता है, आप किसी को कहते हो कि मेरे साथ चलो, और वो आपको कहता है कि नहीं, पहले मुझे जाकर अपने पिता को या आप जो रिश्तेदार हैं उनका पहले फ्यूनरल करने दो, इतना ही कहता है, आगे सेंटेंस नहीं है. So what will you and me do? I think I can go a step further and say okay, we will be, you know, definitely very willing to honor this request. Ki yaar, uske you know, father ki death ho gaya. How can I tell him to come with me right now? He has to take care of a lot of things. But Jesus' response was very surprising. It sounded really harsh. Because God says, the Bible says, let the dead bury their own dead, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. खुदा कहता है कि वो रहने दो, उसकी चिंता मत करो, उसको छोड़ दो, जाकर मेरा कलाम दुनिया में फैलाओ. Why did Jesus say that? Why did Jesus' response sound so harsh and cruel? There are a couple of assumptions to that. The first assumption is, let's look at the Jewish culture. The first assumption is, if this man was a Jew, and if his father had really, in actuality, died, then, for in the Jewish culture, the family stays with the demised person for 24 hours, and their rites or their burial services are performed within 24 hours. After that burial, there is a 7 days of intense mourning, and after that, there is a lesser intense mourning for 30 days. Agar is ladke ka, aadmi ka, aur agar is aurat ka, if the father was dead, what was this man doing here? So he was probably making an excuse to Lord Jesus Christ and saying, my father, let me go bury my father. And agar aap dekhen, or the second, actually the second thing could be, ke uske pita zinda hai, but wo wait kar raha hai ke mere pita kab mare, main ab jayadat unse loon, mere paas sab kuch ho, mere kaam kaaj sari responsibilities khatam ho jaye, and fir Yesu ji, agar time bacha, to main आपके पास आऊंगा. Yes, praise the Lord, true. Amen. You know, अभी तो जवान है. Oh, let me enjoy my life. अभी 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 ये prayers का time नहीं. I have no time. I have to make money. I have to marry. I have to take care of my future, my retirement. Nothing wrong with that, my friends. But not at the cost of unfollowing Christ. We cannot do that. So this person was probably lying. And agar aap dekhe, if you see, that sentence is incomplete. And that kind of boggled my mind too. Main dobara se padungi. To another, Jesus said, follow me. But he said, Lord, first let me go and bury my father. Uske saath koi aur sentence hi nahi hai. अगर आप मुझे कहते हो कि तू मेरे साथ चल, और मैं कहती हूँ पहले मुझे ये काम खत्म करने दो, फिर मैं आपके साथ आती हूँ. So when I say pehle, that means there are two parts to the sentence. So let me finish this and then I will come. But wo kya kehta hai? But he said, Lord, first let me go and bury my father. Uske baad sentence khatam. He did not promise Lord Jesus Christ ki wo wapis aayega. So he, I think, disregarded the call completely. He did not seek permission from Lord Jesus. He didn't say, खुदा जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, क्या क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि आई कैन गो बेरी माई फादर. इट wasn't दैट ही मेड ए स्टेटमेंट विच मेक्स मी डाउट दैट ही एक्चुअली हैड नो डिजायर टू फॉलो क्राइस्ट. He did not say he wanted to follow Christ, nor did he say he did not want to follow Christ. And unfortunately, आज भी हमें हम Christians में ऐसे दोगले लोग हैं जो खुदा को ना तो कहते हैं मैं तेरे संग नहीं चलूंगा, ना कहते हैं कि तेरे संग चलूंगा, बस बीच बीच में चलते रहते हैं क्योंकि वो दोनों जहान का मजा लेना चाहते हैं. We as believers, you and me, we pretend like that at times. We say things like that. We do things. We are not committed to Christ, but we pretend that we are committed to Christ.
We do that. That is very, very sad. And it was sad for this individual too, जिसको जहां दोनों जहां का खुदा बुला रहा है और कह रहा है कि तू मेरे पीछे चल, लेकिन उसके पास समय नहीं. He makes an excuse for his family and says and leaves the sentence blank, blank, blank. Sentence को complete नहीं करा. Why? Because he was perhaps not willing to follow Christ. But at the same time, bura na bane, wahan log honge, kya sochenge, kya kahenge log? He just leaves it incomplete. Very smart. We are very intellectual people. Hum aaj bhi ye karte hain. We do this even today. And if you are the one, or if I am the one doing it, let's not play this game with Christ, because Christ can peek right into your and my heart. He knows inside out. He will peel off the layers until nothing is left concealed. It's all open to him. It's all transparent to him. Let's not play these games with Lord Jesus Christ. The third individual, let me read that verse. 61. Another said, अब ये बंदा खुद अपने आप आके कह रहा है, आई विल फॉलो यू लॉर्ड, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, बट लेट मी फर्स्ट से फेयरवेल टू माई पीपल एट होम. एंड जीसस रिस्पॉन्ड्स, नो वन हु हैज पुट अ हैंड ऑन द प्लॉ एंड लुक्स बैक इज फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. सो दिस पर्सन इज ऑल्सो, दिस थर्ड इंडिविजुअल इज ऑल्सो वॉलंटेरिली कमिंग टू जीसस एंड सेइंग आई वॉन्ट टू फॉलो यू. क्यों कह आप? I don't know. उसका genuine reason था या वो भी लोगों में बड़ा बनना चाहता था. Maybe ये दूसरे बंदे ने जब कहा कि मुझे जाने दो, मैं जाके अपने फादर को बैरी करता हूँ, maybe he said चलो मैं अच्छा बन के बताता हूँ, you know. But his request was also very justifiable, sounded very reasonable, कि okay खुदा जी मैं आपको follow करता हूँ, पर पहले मुझे अपने घर में जाकर उनसे मिलने दो. So what is this person? What does this person illustrate? This person illustrates an individual who is torn between two worlds. ये भी चाहिए, family भी चाहिए, Jesus भी चाहिए, but कहीं भी अगर inconvenience मुझे आया यस्सु की वजह से, तो मैं यस्सु को छोड़ दूंगी, family को नहीं छोड़ूंगी. This is what we do. Believers, you and me, we do this. Why? Because we give more importance to our family, to our friends, to the society than we do to Christ. Christ ke upar kaun hai? So what are we doing? We are placing our families, our comfort, our goals, everything above Christ. Priorities galat ho gayi. Christ hain, lekin kahin niche hain. और ये प्रायोरिटीज तो कभी खत्म होंगी नहीं, एंड यीशु को तो हम ऊपर आने नहीं देंगे, बिकॉज वी आर सो बिजी ट्राइंग टू मीट द डेडलाइंस एंड ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग एंड मीट द गोल्स एंड अचीव समथिंग इन आवर लाइफ. एंड आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ. आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट हैव गोल्स. आई एम ऑल फॉर गोल्स. आई एम ए पर्सन हु प्लान्स मेटिकुलसली. आई डू प्लान थिंग्स. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट माई फ्रेंड्स, if Jesus is out of all this picture, this planning is not worth. This planning is futile. Koi fayda nahi uska. It's not going to bring any fruit for the kingdom of God. So let's make sure that our priorities are in the right order. Yesu pehle. Inconvenience ho, koi baat nahi. Yesu pehle. Log mazak banaye, koi baat nahi. Yesu pehle. जॉब छूट जाए, कोई बात नहीं. यीशु पहले. घर में खाने को ना हो, कोई बात नहीं. यीशु पहले. वी हैव टू मेक श्योर दैट ही इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ. ही कैन नॉट, ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द सेकेंड और लोअर प्लेस इन आवर लाइफ्स, इन आवर हार्ट्स. ही इज द किंग ऑफ किंग्स. ही इज हाईली एग्जॉल्टेड एंड ही हैज टू बी एग्जॉल्टेड इन आवर लाइफ्स. Not just hidden somewhere. जब कोई नहीं देख रहा तो यीशु को निकाल लो और बात कर लो, दुआ कर लो. और जब लोग देख रहे हैं तो हू हा हा हो रहा है, foul language यूज हो रही है, all worldly things are happening. We cannot do that. Christ is the king of kings. Christ is above all. And Christ deserves a place in your and my life above everything else. Otherwise this life is not worth living. Three people, तीन अलग अलग लोग, सबके अलग अलग responses. And so this is very discouraging.
लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ बाइबल. बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोज हु रिस्पॉन्डेड ऑनेस्टली सिंसियरली टू द कॉल ऑफ क्राइस्ट, कमिटेड themselves, their lives to the call of Christ, even to the point of death. Matthew chapter 4, verse 18 to 20, Jesus is calling the first disciples, Simon called Peter and his brother Andrew. And I'm going to read that verse. It says, as Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who's called Peter, and Andrew, his brother, casting nets into the sea. My friends, these people were busy too, just like us. वो भी उनकी रोजी रोटी थी. जो अब आज हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, काम करना है, खाना खाने के लिए पैसे चाहिए. This was their bread. This was the source of their income. For they were fishermen. And he said to them, follow me and I'll make you fish for people. And unka response dekhiyega. Immediately they left their nets and followed him. Answered the call of Jesus. Peter accepted the call of Jesus without any questions. Does that mean Peter was perfect? No. He was just a human like you and me. Doubts, denial. Denying Christ in one of the most darkest hours of Christ's life. जिसको follow करा, जिसके लिए ये सब छोड़ा, उसी को ही उसने deny करा. So, that gives me hope. That gives me comfort कि अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, I always have hope of returning to Christ, provided I repent. And then, वही वाला Peter returns empowered by the Holy Spirit. And ye Peter, jo baat nahi karta tha, ek fisherman tha, he is now addressing people. He is declaring the majesty and power of Lord Jesus Christ. He is declaring the resurrection of Lord Jesus Christ. Why? Because he is empowered by the Lord. And then he lays his life for the cause and call of Christ. He was crucified upside down. मरते दम तक भी यीशु को नहीं भूला वो, और मरा भी यीशु के लिए. फिर भी उसको लगा कि मैं यीशु के समान क्रूसफाई नहीं हो सकता, उल्टा लटकाया गया. There are people who are committed. और अगर मैं और आप इस कॉल को, if we don't answer this call, खुदा कहीं से भी लोग खड़े करेगा अपने, and you and me would have lost that opportunity to serve God honestly and sincerely. And यही पत्रस, he becomes the rock of the church. यीशु खुद कहते हैं, upon this rock I will build my church. क्या आप या मैं वो रॉक है कि यीशु हमें कह सके कि ये चट्टान पे मैं अपना चर्च बनाऊंगा, अपन कलीसिया खड़ा करूंगा. आपकी चट्टान पे खुदावन अपना कलीसिया खड़ा करेगा. क्या हमने अपना जीवन खुदा को वाकई में दिया है? Then Jesus calls James and John. Book of Mark, chapter 1, verse 19 to 20. And as he went a little further, he saw James, son of Zebedee, and his brother John, who were in their boat mending their nets. They were also working. They might not be working like me in a hospital, but they were working. They were fishermen. They were mending their nets. Immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, अपने आप को हम बहुत समझदार समझते हैं, अपने आप को सबसे उत्तम समझते हैं. सो अगर हम इसको देखें तो ऐसे लगेगा कि जेम्स एंड जॉन ने तो अपने पिता को भी छोड़ दिया, वहीं पर छोड़ दिया. वी मे फील लाइक दे वर इररिस्पॉन्सिबल सन्स बिकॉज दे लीव देयर फादर इन द बोट विद दोज हायर्ड पीपल एंड दे लीव.
No responsibility in your and in my life is greater than the responsibility of call to Lord Jesus, call of Lord Jesus Christ. यीशु की कॉल जो है उसका उत्तर देना है, चाहे उसके लिए हमें आप अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, बहन भाई छोड़ने पड़े, पति पत्नी छोड़ने पड़े, काम छोड़ने पड़े, वॉट एवर इट इज, इफ इट डिमैंड्स, इफ द सिचुएशन, इफ द कॉल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिमैंड्स लीविंग somebody बिहाइंड, प्लीज लीव एंड फॉलो क्राइस्ट. Because when you follow him, everything else will follow. He's a God of restoration. वो खुद रिस्टोर करेगा टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए दिल, वो खुद रिस्टोर करेगा. We just have to be faithful to him. We have to respond with sincerity to Lord Jesus Christ. Then Jesus calls Paul. Book of Acts chapter 9 verse 3 to 7 says, in verse 3 to 7, Paul is on his way to Damascus. You know, he's on a mission. He wants to destroy, eliminate people of God, followers of Christ. Wo pura unko khatam kar dena chahta hai. And the Bible says men or women, he decided, he promised himself, koi bhi ho mere raaste mein jo bhi aayega, jo Yeshu or Jesus ka follower hai, I will eliminate that person. And what happens? Ja raha hai, great mission. मैं तो ये खत्म कर, मैं करके रहूंगा. आई विल एलिमिनेट ऑल द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. एंड व्हाट हैपेंस नाउ, एज ही वाज गोइंग अलोंग अप्रोचिंग डमास्कस, सडनली अ लाइट फ्रॉम हेवन फ्लैश्ड अराउंड हिम. ही फेल ऑन द ग्राउंड एंड हर्ड अ वॉइस सेइंग, सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी. ही आस्क्ड, हु आर यू लॉर्ड? The reply came, I am Jesus who you're persecuting. But get up and enter the city and you will be told what to do. A learned man, very well versed with Jewish customs, hated Christ, hated Christians. Wo banda, he's on the ground and he's asking, who are you, Lord? And उसके बाद जीसस कहते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहां जाना है. उसके बाद पॉल ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. द बाइबल सेज व्हेन ही रोज अप, उसकी आंखें खुली थी लेकिन उसको दिख नहीं रहा था, और उसके जो कंपेनियंस थे वो उसको पकड़कर वहां ले गए. पॉल नफरत करता था, वो खुदा के लोगों से नफरत करता था. वो He wanted to finish everything. But जब खुदा से उसका मिलन हुआ, when he, I don't know what kind of revelation, वो क्या कैसी revelation थी, what was that impact, कि उसने उसका नजरिया ही बदल दिया. जिसको मिटाने निकला था उसके लिए ही मर मिटा. That is the call of Christ. We have to respond. We have to be sincere and wise and not be overwhelmed by things. चीजें देखी और कहा यस मैं follow करूंगा, and then gone are the days. खत्म कहानी. We cannot play deaf to the call and calls of Christ. Listen to that little voice in your heart. आपके दिल में जो धीमी सी मीठी सी आवाज आती है, खुदा की आवाज को सुनिएगा. Do not ignore it. Follow him. Do not be blown away by emotions. Are you or me guilty of finding excuses? Excuse ढूंढ रहे हैं हम लोग, बहाना ढूंढ रहे कोई भी. कैसे कहें कि यीशु को सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि सर्व करना तो बहुत मुश्किल है. It is so hard to serve Lord Jesus. It's not easy. It is not easy. We are finding excuses. मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मुझे छोड़ देंगे. But the love of Christ is so compelling that it goes above everything else. It goes above everything else. There's a beautiful verse written by Paul in the book of Philippians, chapter 3, verse 8. Chapter 3, verse 8, it says, पॉल कहता है, मोर देन दैट आई रिगार्ड एवरीथिंग एज लॉस
I regard everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ. For his sake, I have suffered the loss of all things, and I regard them as rubbish in order that I may gain Christ. What a beautiful thought. And what a beautiful testimony. I want to close with a story. A short story. There was in about 150 years ago, England mein bahut sara revival aaya. And from there parted missionaries, Welsh missionaries. Revival ki wajah se log save hue, and some missionaries came to India. Assam mein aa gaye wo. Assam mein, I think unka, there was a certain tribe of Assamese. और ये लोग जो मिशनरीज थे वह यहाँ पे आ गए एंड यीशु का प्रचार करने लगे. दे वर टेलिंग अबाउट लव ऑफ क्राइस्ट, द पीस ऑफ क्राइस्ट. एंड कुछ दिनों बाद एक फैमिली कन्वर्ट हुई. अ मैन, हिज वाइफ एंड टू किड्स, दे वर कन्वर्टेड. दे प्रोफेस्ड देयर फेथ इन क्राइस्ट. और इस बंदे में इतनी जील थी खुदा के लिए, यीशु के लिए इतनी जील थी इसके लिए कि इट वॉज कंटेजियस. और उसकी वजह से व्हेन ही वाज टेलिंग दिस अबाउट दिस जीसस टू अदर्स, उसी विलेज में, उसी ट्राइब में जब दूसरे लोगों को बता रहा था तो कुछ लोग और कन्वर्ट हुए. एंड द चीफ ऑफ द ट्राइब वॉज वेरी अपसेट. उसने वो फैमिली को, वो आदमी, उसकी पत्नी और बच्चों को बुलाया, और उसने जो लोग बाकी कन्वर्ट हुए थे उनको बुलाया. ही टोल्ड देम टू पब्लिकली डिनाउंस क्राइस्ट. पब्लिकली उनको बोला कि कहो कि यीशु हमारा खुदा नहीं है. एंड और ही सेड यू फेस एग्जीक्यूशन. वेरी डिफिकल्ट. मुझे अगर आके आज कोई बोले कि तुम या तो कहो यीशु तुम्हारा खुदा नहीं है या तुम्हारा गला कट जाएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वी आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग इन दैट सिचुएशन. और वो बंदे ने बिना कुछ कहे गाना गाना शुरू किया. आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक. द चीफ वॉज सो मैड, ही वॉज एनरेज्ड नाउ. बहुत गुस्से में था. And he ordered his archers to arrow down his children. और उसके जो लोग थे वहां, उसके कबीले के जो लोग थे, उन्होंने उसके बच्चों को तीर मारा और उनके उसके उस आदमी के बच्चे जमीन पर गिर गए. चीफ ने फिर बोला, एक और मौका देता हूं. Do you want to say कि यीशु तुम्हारा खुदा नहीं है? Do you want to denounce Christ? और वो गाता है, दो नन गो विद मी आई स्टिल विल फॉलो. बच्चे जमीन पर मर रहे हैं, बीवी खड़ी है वहां पर, आगे क्या होगा पता नहीं, बट दिस मैन रिफ्यूजेस टू गिव अप ऑन क्राइस्ट. दैट्स द कंपेलिंग लव ऑफ क्राइस्ट. द चीफ इज मैड अगेन एंड ही टेल्स हिज आर्चर्स टू एरो डाउन हिज वाइफ. उसकी वाइफ को निशाना लगाते हैं, वाइफ मर जाती है. Chief gives another chance. और ये सच्ची कहानी है. This is a true story. Chief gives another chance and says, अभी भी मौका है, तुम्हारी जान बच सकती है. Denounce Christ. And he sings. वो गाने लगता है. The cross before me and the world behind me. The chief was so mad. He got him killed. पति, पत्नी, बच्चे, ऑल डेड. क्यों? क्योंकि उसने कहा कि यीशु खुदा है. और जब ये चारों मर गए तो ये जो चीफ था, ही वॉज सो बॉगल्ड. उसका माइंड इतना बॉगल्ड था कि व्हाट इज दिस, व्हाई वुड समबडी ले हिज लाइफ, व्हाई वुड समबडी हैव हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ किल्ड फॉर ए मैन आउट देयर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. 2000 पहले जो बंदा इस जमीन पर आया उसके लिए ही डाइड. फॉर व्हाट? व्हाट इज सो सो स्पेशल, सुपर पावर? इतना सुपर पावर क्या है उसमें? एंड थिंकिंग दैट, वो चीफ जो था
तभी उसी वक्त उसने खुदा को, यीशु को अपना खुदा माना और पूरा जो विलेज था इट केम टू क्राइस्ट. क्राइस्ट द खुदा का जो प्यार है ना, इट्स कंपेलिंग, इट इज इंपेरेटिव, इट्स सो कन्विंसिंग कि एक बार आप यीशु को अगर चख लेते हो तो इट्स हार्ड टू जस्ट गो बैक. इट इज सो हार्ड टू गो बैक. लेट अस प्रे टुडे दैट एज यू नो वी एज जीसस कॉल्स अस फॉर हिज वर्क एंड फॉर हिज मिशन एंड फॉर हिज किंगडम, लेट अस आंसर, लेट अस लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, लेट अस आंसर, रिस्पॉन्ड honestly, genuinely, and let us commit our allegiance, let's commit ourselves and tell him that we will be loyal to him to the point of death. It's important that we don't become deaf. It's important that we don't harden our hearts, but respond to the love of Christ. Let's pray. Lord, we thank you. Lord, I have fallen short so many times of not listening to your voice. Mujhe maaf kare khuda ji, jab maine aapki awaaz nahi suni, jab maine apni manmani kari prabhu ji. Mujhe aisa man dijiye ki main aapki seva hamesha karti rahu, jab tak mera aakhri saans chale prabhu ji, mere honton pe aapka naam ho. मेरी आंखों में आपके ख्वाब हों प्रभु, मेरे कानों में आपकी आवाज गूंजे, मेरे दिल में आपका प्यार भरा रहे प्रभु जी. जब तक मैं आपके पास नहीं आ जाती, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में देती हूँ. मैं कमिट करती हूँ प्रभु जी कि मैं आपकी सेवा करूँगी तन मन धन से प्रभु जी. जब तक मुझ में जान है प्रभु, मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे. आप हमें बल दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा प्रभु जी, और हम किसी का बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं प्रभु जी. धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं और आप हमसे अपनी सेवकाएं लें प्रभु जी. आपने हमें इस काबिल सोचा, काबिल वर्ड इज इवन जस्ट टू बिग फॉर मी लॉर्ड, कि हम आपकी सेवा कर सके, आपके राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो सके. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. हमारा इस्तेमाल कीजिएगा और हमें अपने वचनों में आगे बढ़ाइएगा यीशु के नाम में. Choo!
अभी जो अनीता ने गीत गाया, यीशु बुला रहा है तुम्हें, आ जाओ उसके पास. ही इज कॉलिंग यू एंड मी एंड ही वॉन्ट यू टू कम एज इज, जैसे भी है. जैसे बाइबल में लिखा, बोझ से थके मानते लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा. हम इतने बोझ से थके हुए हैं एकदम से, पर हम वही तीन लोगों में से मे भी कोई ना कोई है. आप बोलते हैं कि लॉर्ड यस मैं थका हूं, पहले मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, पहले मुझे अपनी फैमिली की टेक केयर करने दो, पहले मुझे अपने सारे काम करने दो, फिर मैं तुझे फॉलो करूंगा. पहले मैं अपने देखूं मेरे बच्चे सब वेल सेटल्ड हो गए हैं, मेरा बैंक में इनफ मनी है नाउ, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी मैं फॉलो करूंगा लॉर्ड, अभी मुझे कुछ करने के लिए कोई चीज नहीं है. He don't want कि आप बिल्कुल प्रभु को आखिर में रखें. प्रभु यीशु आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट. जैसा कि उसने पीटर को बोला, फॉलो मी, ही लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दिया, अपने गल्ले पे बैठा था, वहां पर सब पैसे पुसे भी पड़े होंगे, छोड़ दिया उसने सब, जाल वाल वहीं छोड़ दिया. जेम्स और उसने अपने पिता को भी छोड़ दिया वहीं पे, कहा कि फॉलो मी. यू नो, ना जाने आप में से कितने लोग जो बोलते हैं प्रभु यीशु मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, यस मैं आई विल वॉक ऑन द फुटस्टेप ऑफ जीसस, पर क्या है कि हम पीछे हट जाते हैं. एक छोटी सी प्रार्थना करने से ऐसा नहीं कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ जा, मैं आज तुझको अपना परमेश्वर बना लेता हूं और तू मेरा परमेश्वर है और मैं बस मेरा काम खत्म, मैं तो प्रभु यीशु की गोद में आ गया, मैं तो स्वर्ग में चला जाऊंगा. सॉरी, रीड योर बाइबल, फॉलो हिम. जैसे पॉल बोलता है, वी हैव टू डाई एवरी डे, वी हैव टू पिक अवर क्रॉस एवरी डे. जब भी जो भी चीज ऐसी आपको दिखे जो आपको आंखों से अट्रैक्ट करे और लगे कि ये आपको सिन की तरफ ले जाए, उसको बोलो आई एम डेड मैन, आई डोंट हियर, आई डोंट सी, आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट स्मेल, आई एम डेड मैन. But you are living in Christ. Joseph. Potiphar ki wife bolti thi, please sleep with me. Kata, no. I'm a child of God. I'm a dead man. I'm a dead person. My friends, if really you want to follow him completely 100%. 100%. मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ. मेरी प्रमोशन हुई, तो प्रमोशन करने के बाद दो ऑप्शन होती हैं. एक जो आपके पास पूरी डाउनलाइन है, मैं किसी कंपनी में भी काम करता हूँ थोड़ा सा, तो जो डाउनलाइन है या तो वो आपको देनी है या तो फिर आपको सिर्फ दो लोग देने हैं. मेरी डाउनलाइन में है 85 पीपल और साइड में सिर्फ या तो दो लोग मैं दूँ अपनी प्रमोशन को लेने के लिए. अभी मन में बोलता है, जो दिमाग बोलता है यीशु से बाहर, अरे यार दो लोग दे दे उसको, बस
कीप यूर 85 पीपल और अच्छा रहेगा तेरा, तेरे पास पैसा आता जाएगा. आई सेड नो, लेट मी प्रे. अगर क्राइस्ट मेरी जगह होता तो वो क्या करता. इब्राहिम ने अपने नेफ्यू को ऑप्शन दिया था इसे कि पिक क्या करना है. तो मैंने उनको बोला कि पिक आपको क्या चाहिए. तो वो कहते कि हमें तो वो भारी वाला 85 जो लोग हैं वो चाहिए. कि कार है ना, है 5 लोग. ठीक है, 85 लोग दिया क्योंकि मुझे पता है कि गॉड दोस्त जो प्रभु है वो 5 लोगों से 5,000 बनाएगा. ठीक है, मुझे उसकी चिंता नहीं है क्योंकि मैंने उसके वचन को उसको फॉलो किया. यू नो, जब क्राइस्ट आप में लिव करेगा जिएगा तो आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी. देन यू विल डू द बेस्ट फॉर अदर्स, नॉट फॉर योरसेल्फ. हम क्या करते, दूसरों के लिए तो छोटी सी टूटी फूटी चीज ले लेते. यू नो, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो क्या करती हैं, सबसे अच्छी चीज लेकर आती हैं. अब मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, पर वो उनका हृदय ऐसा है. पर हम क्या करते हैं कि दूसरों के लिए घटिया सी चीज लाएंगे, या ये थोड़ा सा फटा हुआ है ये चल जाएगा, उसको क्या दिखेगा, चल वो उसमें से ले लेते हैं, किसी को कपड़ा देना है. नो, जस्ट डू द बेस्ट, बेस्ट फॉर एनी बॉडी और एवरी बॉडी, एंड गॉड इज गोइंग टू गिव यू हिज बेस्ट. आमेन. एंड इफ यू आर रियली सिंसियर, यू वॉन्ट टू फॉलो हिम, जस्ट अपने दिल पर हाथ रख के बोले, प्रभु यीशु, आज मैं तुझको फॉलो करना चाहता हूं. आई विल फॉलो यू विद माई होल हार्ट. मुझे पता है कि तू परमेश्वर है, तू मेरे इस हृदय में आ जा. प्रभु यीशु, मुझे पता है कि तू क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया. अब तू मेरा परमेश्वर है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा. लॉर्ड, आई प्रे कि तू मेरी जितनी भी बुरी आदतें हैं उसके ऊपर तू कब्जा कर. तू मुझे विश्वास दे ताकि मैं तुझको फॉलो कर सकूं. लॉर्ड, हेल्प मी टू डाई एवरी डे. हेल्प मी माय लॉर्ड. थैंक यू, धन्यवाद देता हूं पिता. महिमा करता हूं, आराधना करता हूं. अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो आई प्रे कि प्रभु यीशु आपके साथ रहे और आपको डे बाय डे उसका पवित्र आत्मा गाइड करे. धन्यवाद देते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. लेट अस प्रे. थैंक यू फादर जी. लॉर्ड, आई प्रे कि आप सबको अपने हाथों में रखें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो. लॉर्ड, आई प्रे कि आप आज जिन लोगों ने यह प्रार्थना की है, लॉर्ड आई प्रे कि आप उनको छुए. लॉर्ड, एंड हेल्प अस, वी कैन डू आवर ओन इन्वेंटरी वेयर वी आर मिसिंग सम स्टफ. लॉर्ड, हेल्प मी टू डू माई ओन इन्वेंटरी फादर. लॉर्ड जी, आई प्रे कि आप हमारे साथ रहें, महिमा हो, आपकी आराधना पिता परमेश्वर. आई प्रे कि लॉर्ड जो लोग वॉच कर रहे हैं उन सबको आशीषें दे, उनके घरों में आशीषें दे पिता परमेश्वर, उनके घर में सुख प्यार और प्रभु जी आपकी हजूरी हो. जब प्रभु साथ में होता है तो हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, वो बाकी की बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती है. थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ पिताजी, महिमा करता हूँ क्योंकि आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर है. थैंक यू माय लॉर्ड. थैंक यू Lord Ji, thank you blessing us, and I ask in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Akhri pratna karenge. Oh Lord, you would bless me indeed, enlarge my territory, keep me from the evil one, that I may not cause any pain to anyone. Jesus. Amen. Sabko jai masi ki, milte hain fir next Sunday.